हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग आंसर जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का आंसर। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं। तो चलिए वन नंबर देखिए ध्यान से बच्चों, 3K17 था जो कि हम लोग का AP में था। तो हम लोग अगर फॉर्मूला से निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 10, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2 नंबर, क्या लिखता है इसमें हम लोग का। 2 नंबर में हम लोग का दिया हुआ था 8 दिया हुआ था बच्चों, D दिया हुआ था, सब कुछ हम लोग का दिया हुआ था। इसमें क्या निकालना था बच्चों, 12 टर्म निकाले थे हम लोग का, आया 40, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4M64GP में है, तो हम लोग को M निकालना था। तो बच्चों जब हम लोग M इस तरह से निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम पार हो गया, तभी आप लोग समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा, अभी आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा आंसर पर, बाद में आप लोग सोल्यूशन को अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग का 4 नंबर है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग का 4 नंबर हम लोग का क्या है क्वेश्चन, कि विच टर्म ऑफ HP, ठीक है, HP में कौन सा टर्म N निकालना था बच्चों। तो AP में आप लोग को पता ही है कि HP में उलट देते हैं उसके बाद निकालते हैं, तो हम लोग का 7 आ रहा है, जो कि आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का बच्चों, आंसर होगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6 नंबर जो है हम लोग का NPR, फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय N-R, ये हम लोग का फॉर्मूला पूछा तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 10 नंबर में हम लोग का 0 का फैक्टोरियल बच्चों 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों कि N-1, ठीक है, N-1 मतलब कोई क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का था बच्चों कि एक गोल मेज पर 5 आदमी कितना प्रकार से बैठ सकते थे। N-1 इसका होगा जो कि फैक्टोरियल 4 है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 24 आएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग का, ये हम लोग का है मैट्रिक्स का। तो पहले इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको बोलते हैं अपना भाषा में कोना कोनी, ठीक है, 36 में से 18 चल गया तो 18, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा, आराम से देखिए, अब आंसर सब आंसर आप लोग के सामने है। सिर्फ आप लोग को एक काम करना है बच्चों, कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ये हम लोग को x निकालना था, देखिए इसमें भी कोना कोनी गुना करेंगे तो हम लोग का 5 × x, 5x² - 5x² बराबर 0 की, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ए क्वेश्चन में, हम लोग का ए और बी जोड़ना था, सॉरी माइनस करना था। तो आप लोग को माइनस करने तो आता है, बहुत सिंपल है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस तरह का था, ए और बी, इसमें ए प्लस बी निकालना था, 4 × 3 = 7, 5 × 3 = 8 और 7 × 2 = 9, जो कि 7 × 8 = 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर बच्चों, हम लोग का यूनियन निकालना था, यूनियन मतलब टोटल को लिखना है, सिर्फ ए को रिपीट नहीं करना है, जो कि बच्चों हम लोग का कितना में था, ऑप्शन नंबर 2 में था। चलिए नेक्स्ट हम लोग का इंपट्टी सेट किसको बोलते हैं, नल सेट को बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में था। डिसज्वाइंट सेट किसको बोलते हैं, ए बी में अगर कुछ नहीं मिलता तो उसको डिसज्वाइंट सेट बोलते हैं बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इंटरसेक्शन निकालना, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का, आंसर 4। इसके बाद हम लोग का वाई बराबर इतना दिया था, ए किसका है, इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन का था, तो इसका हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, N-1 3 3x², जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। 18 का क्वेश्चन क्या था बच्चों, आज क्वेश्चन मेरे मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए क्वेश्चन हम लगा नहीं पा रहे हैं। 18 नंबर का बच्चों लॉग वाला था, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये हम लोग का इंटीग्रेशन का है, क्या लिख रहा है कि x 4, ठीक है, तो इसका आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, x n+1 / n+1, तो हम लोग का 4 और 1 = 5 हो जाएगा, / 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों ये भी हम लोग का उसी तरह का क्वेश्चन था, तो हम लोग देखिए 3 और 2 को 3 × 6, 2 बार में कट गया, 2 × 3, ठीक है, इसलिए 2 आया यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा बच्चों 1 नंबर। आप लोग हमको लगता है, आशा करते हैं आप लोग भी बहुत सटीक आंसर लगाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं बोला जा सकता, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होता है, मीन मेडियन मोड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। अर्थमेटिक मीन 5, 10, 15 तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भागा दे दीजिए ना, 3 डिवाइड करेंगे 10 में तो 1 आएगा ऑप्शन। 23 का बच्चों, 23 क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं हम भी। 23 में अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन, सही है, ट्रू, ठीक है, तो ये हम लोग का 2 नंबर। मेडियन क्या होता है,
क्या आंसर है भाई? मेडियन देखा जाए कि मेडियन क्या लिखता है कि कुल चरों को दो बराबर भागों में बांटती है, तो मेडियन ही दो बराबर भागों में अधिका मध्य में इसका, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तीन। एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू, ठीक है, एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू को क्या बोला जाता है, क्या लिखता है? फोर एन इवेन नंबर, अगर इवेन नंबर में मेडियन निकालते हैं तो दो दो में आके अगर रुकता है तो दोनों को जोड़ के दो से भागा दे देते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वन। मोड क्या होता है बच्चों? द वैल्यू ऑफ विच ऑक्योर मैक्सिमम, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहता है उसको क्या बोला जाता है? मोड बोला जाता है। 27 क्या है? मोड ऑफ, देखिए इसमें जीरो सबसे अधिक बार आया, जब तुम आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन बनाए 27 बनाए उसमें सबसे ज़्यादा जीरो आया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बहुलक क्या आएगा? जीरो आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, ज्योमेट्रिक मीन बराबर ए एम रूट अंडर ए एम इंटू एच एम, जो कि ऑप्शन नंबर तीन है। 29 क्या है बच्चों? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जब तक हम क्वेश्चन खोज रहे हैं। हाँ, क्या लिखता है? निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप किसकी गणना करना कठिन है? तो ज्योमेट्रिक मीन ना, ज्योमेट्रिक मीन लॉग टेबल से निकलता, बहुत प्रॉब्लम होता है ना। 30 नंबर हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन नो ऑब्जर्वेशन इज, अगर हार्मोनिक मीन परिभाषित होता है जब कोई अवलोकन नहीं होता है, ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बच्चों? 30 नंबर का जीरो, ठीक है, क्या होगा? जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर फोर में दिया हुआ है। हम लोग का निकालना था एच एम दिया नहीं दिया हुआ था, ए एम और जी एम दिया हुआ था, तो हम लोग कैलकुलेशन के फॉर्मूला से आया 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया बच्चों? फोर में। 32, चलिए बच्चों 32 हाँ, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज कॉजेज बाय, ठीक है, साइक्लिकल जो होता है किसके द्वारा? फ्लड के द्वारा, ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग का फ्लड के द्वारा ही होता होगा। इसके बाद सीजनल क्या है भाई आंसर? 33 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट यूज फॉर ए शॉर्ट टर्म के लिए सीजनल हम लोग यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर वन में है। 34 बच्चों, जो कि 34 नंबर क्या है, जो टू आंसर हम लिख दिए हैं, देखा जाए हाँ, सीजनल फ्लक्चुएशन क्या होता है? तो पीरियोडिक और रेगुलर, ठीक है, दो नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या लिखता है बच्चों? इफ एन इवेंट टैक्स प्लेस, मतलब एक घटना होना तो निश्चित है, तो प्रोबेबिलिटी क्या था? प्लस वन, जो कि ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ बच्चों। इसके बाद 36 में क्या लिखता है? टोटल 9 आना चाहिए, टोटल 9 कैसे आएगा? 3 और 6 4 5 5 9, तो कितना कंडीशन है? 4 4/36 1/9, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर थ्री में दिया हुआ है। बच्चों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि आप लोग से यही अपेक्षा किया था कि लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, तो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करना मत कीजिए, जब आपको इच्छा होगा तो आप मेरे चैनल पर आकर सर्च करके कुछ भी देख सकते हैं। चलिए 37 है क्वेश्चन, हाँ, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन क्वाइन? तो 1/2 होगा, ठीक है, सिक्का में दो ही होते हैं हेड और टेल, तो 1/2 होगा, जिसका आंसर 3 है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग को नहीं दिखेगा, छोटा हो गया। 38 नंबर क्या लिखता है? एक बैग है जिसमें 5 रेड 4 व्हाइट और 3 ब्लैक है, तो 5 4 9 और 3 12 बॉल है, जिसमें रेड कितना है? 5, तो 5/12 रेड निकालने बोला था, जब आंसर क्या होगा? 4। और 39 क्या है बच्चों? 39 क्वेश्चन हम लोग का है क्या? सिंपल मेथड कौन है? तो सिंपल मेथड क्या है बच्चों? ग्राफिक, ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड क्या है? ग्राफिक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग का इंतजार खत्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 1 है। चलिए बच्चों, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आ गया, और अब नंबरिकल क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पूछा था उसका आंसर थोड़ा देर बाद देखते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे, उसका भी आंसर कोशिश करेंगे, वीडियो अपलोड कर ले, पहले इतना आंसर मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक बने रहे वीडियो में, आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।